फूसबंगला जामाडोबा मुख्य मार्ग पर बंद पड़े रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य के लिए बनाए गए गड्ढे में गिरी कार, बाल बाल बचे कार सवार। झरिया के फूसबंगला जामाडोबा के बीच बंद पड़े रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में एक कार गिर गई। स्थानीय लोगों के अनुसार कार में 4-5 युवक सवार थे, जो कि इस घटना में बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीती रात ये घटना घटी है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आद्रा डिवीजन अंतर्गत भागा के रेलवे बंद फाटक को एक माह के अंदर रेलवे द्वारा खोलने का आश्वासन के बाद भी पूर्व में खोदे गए गड्ढे की भराई नहीं की गई, जिस कारण यह हादसा हुआ है। वहीं अभी तक बंद पड़े रेलवे फाटक को रेलवे द्वारा नहीं खोले जाने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ये रेलवे फाटक है, हम लोग का भागा रेलवे स्टेशन का फाटक है और 1.5 साल से करीब करीब मतलब रास्ता बंद है। रास्ता बंद होने के कारण बहुत सा गड्ढा वगैरह है, तो उसमें कितना लोग का हाथ पैर टूट चुका है, 2-4, 10-20 को, और हादसा होते ही रहता है। एक का पैर भी कट गया है, 1-2 आदमी का यहाँ हत्या भी कर दिया गया है। और गड्ढा में आज 12:30 बजे रात में कंप्लीट गड्ढा में गाड़ी चल जाने के कारण कोई क्षति नहीं हुआ है माल जाल का, लेकिन बहुत सा मतलब बहुत बड़ा हादसा भी से होते होते बच गया। और हम तो आंदोलन किए थे, तो हमारा रेल अधिकारी से और ग्यारह साहब से आदेश था कि मतलब 1 महीना में हम फाटक में काम कर और खोल दिया जाएगा रास्ता को, लेकिन अभी तक क्या हमारा 1-2% भी काम नहीं हुआ है। और हादसा डेली होते हुए हम लोग को 27 मई को वार्ता हुआ था। डीआरएम साहब प्रेस में भी ये दिए थे, लिखित भी दिए थे कि और संसद वगैरह और एमएलए जी को धनवार एमएलए जी को सामने ही बात हुआ कि हमने फाटक खोल कर और रास्ता को चालू कर देंगे। 15 दिन हो गया अभी तक काम कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, 2% भी काम अभी चालू नहीं हुआ है, और हादसा डेली एक ना एक डेली होते ही रहे।